ये टैंकी का पड़ा हुआ है, ब्लैक और गोल्डन पड़ा हुआ है टैंकी के ऊपर। ब्लैक वाला पड़ा है, इसमें मैट भी पड़ा हुआ है कि ग्लॉसी ब्लैक में भी पड़ा है। सो अस्सलाम वालेकुम बॉयज, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ पर मैंने अस्सलाम वालेकुम बॉयज इसलिए कहा बिकॉज ये व्लॉग मेरा स्पेशली बॉयज के लिए होने लगा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्यों होने लगा है मैं आपको बताता हूँ। ये रही अपनी प्रोजेक्ट 70। जैसा कि आप में से कुछ भाइयों को पता होगा कि आपका भाई इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है अपना, तो इसकी मॉडिफिकेशन के लिहाज से अगर बात की जाए तो इसका काफ़ी सारे काम जो कि पेंडिंग थे, भाई को टाइम नहीं था मिल रहा, सो फाइनली आज हमें टाइम निकाला है इसके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमने इसका जो काम करवाना है ना, इसकी टैंकी चेक कर सकते हैं, इस पर स्क्रैचेस कितने ज़्यादा और ये मुझे बहुत ही बुरे लग रहे हैं। एक तो इसकी टैंकी है, इस पर जाके रैप करवाते हैं अच्छा सा, और इस पर जो बैक साइड टॉप है इसका, इस साइड वाला दूसरी साइड वाला, इन दोनों टॉपों पर भी हमने अभी इसका रैप करवाना है जाके, और उसके बाद भी इसी तरह से छोटे मोटे काम है काफ़ी ज़्यादा। तो अब जल्दी से चलते हैं और इसकी लुक देखते हैं कैसे निकलती है। अभी आपको मैं बिफोर इसके सिनेमैटिक शॉट्स दिखा देता हूँ और आफ्टर रैपिंग इसके मैं आपको सिनेमैटिक शॉट्स दिखा देता हूँ। लेट्स तो जी भाई साहब बगैर टाइम जाया कि जल्दी से चलते हैं रैप वाली शॉप पे और जाके इसका काम स्टार्ट करवाते हैं। अच्छा तो नाज़रीन आपका भाई बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है अपने इस प्रोजेक्ट को लेके। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि कब मुझे टाइम मिले और मैं इसको रैप का काम इसका कंप्लीट करवाऊँ और देखूँ कि फाइनल लुक क्या आती है मेरे प्रोजेक्ट 70 की। तो बस अब जल्दी से अपनी मंजिल की तरफ मैं प्रवास कर रहा हूँ, जल्दी से उस पॉइंट पर जाके पहुँचते हैं रैप वाली शॉप पे और जाके अपना टैंक डिज़ाइन देखते हैं कि कौन सा मैं सेलेक्ट कर पाऊँ अपनी बाइक के लिए। ठीक है। अच्छा तो फाइनली गए थे, मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ जहाँ से रैप वगैरह करवाना है ना, मैं इनकी शॉप से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भजन? ठीक हो? अच्छा भाई मैंने ना अपनी जो 70 है ना वो खड़ी है उस पर टैंकी पे और टफों पे ना रैप करवाना है अच्छे वाला करके। तो अगर आपके पास आर्टिकल्स हैं तो मुझे काइंडली दिखा दें डिज़ाइन वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपसे करवा लेता हूँ। ठीक है। ये टफों का पड़े हुए हैं, ये सामने वाले, ये वाले जो, हाँ ये सामने वाले। अच्छा ये टैंकी का पड़ा हुआ है, ब्लैक और डिजाइन में पड़ा हुआ है, बोल्ट में पड़ा हुआ है टैंकी के ऊपर लगाना। टैंकी के लिए यहाँ से कोई से भी सिलेक्ट कर सकते हैं? ये भी कर रहे हैं। तो ग्लॉसी ब्लैक में आपके पास पेपर पड़ा हुआ है? पड़ा हुआ है। डिज़ाइन वगैरह सेलेक्ट करते हैं, इनमें से मैं कौन सा करवा सकता हूँ, उसके बाद अपनी बाइक पर जो अकाउंट स्टार्ट करते हैं। Hours later. भाई साहब अभी काफ़ी देर मुझे यहाँ पे हो गई, मैं इससे सेलेक्ट ही नहीं हो रहा कि इतने सारे डिज़ाइन हैं, इनमें से कौन सा मैं सिलेक्ट करूँ, तो आप ही बता दें यार फ्रेंड्स में कौन सा लगवाऊँ। शाबाश। तो जी बॉयज़ अभी आप बाइक की लुक चेक कर सकते हैं, बिफोर इसकी क्या लुक थी एंड आफ्टर हम इसकी क्या लुक करने लगे हैं। सो फाइनली यहाँ पे हमारा काम जो कि स्टार्ट हो चुका है। अभी सबसे पहले इसकी जो वही वाली सीट है इसको उतारेंगे एंड देन उसके बाद, तो जी यहाँ पे सीट वगैरह उतर चुकी है। अब इसका राइट साइड वाला जो कि साइड टॉप है ये उतार लिया भाई ने, अब लेफ्ट साइड वाला इसका टॉपा उतारेंगे एंड देन इसके दोनों टॉपों पे। जी बॉयज़ इतनी मुश्किल से हमारा रैप जो कि डन हुआ था, भाई ने एक और ख़तरनाक किस्म का रैप दिखा दिया है, बट ये मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं आया, मैंने इसे अभी कैंसिल कर दिया। भाई ने एक और ग्रे कलर का भी दिखाया टैंकी के लिए, बट मुझे पसंद यही आया ग्लॉसी ब्लैक, मैंने कहा इसे ही डन करें, यही मैंने फाइनल करवा दिया। तो जी बॉयज फाइनली चेक कर सकते हैं ये दो रैप जो कि मैंने अपने टॉपों के लिए सिलेक्ट किए हैं। तो जी फाइनली यहाँ पे जो साइड टॉप है उसका वर्क स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले इसके ऊपर से जो स्टिकर है, जो पुराना स्टिकर टॉपे के ऊपर लगा होता है, इसे रिमूव करेंगे एंड देन उसके बाद इसके ऊपर जो स्टिकर है उसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे भाई बस स्टिकर वगैरह रिमूव कर रहे हैं। तो जी यहाँ पे आपका भाई एक टिकटॉक के लिए ट्रांजैक्शन वीडियो तैयार करने की कोशिश कर रहा था, बार बार इस तरह से स्टिकर रख के। तो जी यहाँ पे जो टॉपों की अच्छी तरह से सफाई वगैरह हो रही थी, सफाई वगैरह करके तो उसके ऊपर स्टिकर लगना था, अगर सफाई ना करते तो टॉपों के ऊपर मिट्टी की वजह से स्टिकर ने अच्छी तरह नहीं बैठना था। तो बस जी अब यहाँ पे टॉपों की मंजाई शंजाई कर रहे हैं, अच्छे तरीके से इसको साफ करेंगे एंड देन इसके ऊपर स्टिकर अच्छे तरीके से स्टिक हो पाएगा। जी बॉयज़ यहाँ पे फर्स्ट टॉपे का जो कि काम स्टार्ट होने लगा है, बिस्मिल्लाह पढ़ के हम इसके ऊपर स्टिकर अप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या इसकी लुक निकलती है। तो जी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है इसका काम।
तो जी अल्हम्दुलिल्लाह एक तो टापा डन हो चुका है, अब सेकंड टापे का स्टिकर जो के लगने के लिए तैयार है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सो व्यूवर्स, जितनी देर तक रैप वगैरह का काम हो रहा है आप लोग चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ मेरे 800 सब्सक्राइबर होने में सिर्फ एक सब्सक्राइबर काम है, जल्दी से कर दें सब्सक्राइब। और जिन्होंने ये वाला मेरा व्लॉग नहीं देखा लिंक बायो में है वो भी देख। सो बॉयज़ काम पर आ जाएं। तो यहाँ पे भी एक टापा ऑलमोस्ट हमारा तकरीबन सुप्रीम वाला रेडी हो चुका है, चेक कर सकते हैं। और दूसरा टापा इस पर भाई अभी काम कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं। तो ये वाला चेक कर सकते हैं आप, किंग शीट वाला जो कि फुली हैवी किस्म का, चेक करो भाई चेक। बॉयज़ यहाँ पर मीटर के ऊपर मैं ब्लैक कलर का रैप करवा के अपना ये वाला फेवरेट स्टिकर लगवाने लगा था, चेक कर सकते हैं। जैसे ये रैप होता है डन, उसके बाद अपने ये वाला स्टिकर ऊपर अप्लाई करवाते हैं। मीटर पे पेपर ऑलमोस्ट लग चुका है, बस उसकी कटिंग वगैरह कर रहे हैं जी। फाइनली भाई साहब हमारे यहाँ पे जो दोनों साइडों वाले टप्पे हैं दोनों ओके हो गए, एक रहा ये और एक रहा ये, ये दोनों कम्प्लीट होके तैयार हो गए। आप इसी चेक कर सकते हैं भाई ने किस तरह से उससे काम किया है, इसी तरह से साइड वाला। तो मैं इसमें बताएं जरा कैसे तैयार हुए हैं टॉपे। ये दोनों सिलेक्ट किए हैं, वहाँ पे भी एग्जाम हो रहा है थोड़ा। सो बॉयज़ यहाँ पर मैं फ्रंट को फुली ब्लैक लुक दे रहा हूँ, दोनों फ्रंट वाले शॉक्स जिन्हें मैं ब्लैक कलर में रैप करवा रहा हूँ। आई होप कि इसकी लुक बहुत ही अच्छी आएगी फ्रंट से ब्लैक करवाने के बाद। सो बॉयज़ यहाँ पर इसकी टैंकी का भी काम जो कि स्टार्ट हो चुका था, आप चेक कर सकते हैं इसका स्टिकर मूव कर रहे हैं, जहाँ से स्टिकर उतर है आप टैंकी की शाइन चेक कर सकते हैं। नीचे से फिनिशिंग कितनी खूबसूरत किस्म की टैंकी की निकल रही है, बस इसका ये वाला स्टिकर रिमूव करते हैं देन इसके ऊपर न्यू रैप अप्लाई करते हैं। साथ ही अगर दूसरी साइड पर आ जाओ तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं भाई फ्रंट वाला काम जो कि कम्प्लीट करते हुए। तो मैंने दो भाइयों को इसलिए बाइक पर लगा देता था कि हमारा टाइम भी ना वेस्ट हो, काम भी जल्दी हो जाए। एक भाई टैंकी को लग गए, दूसरे भाई दूसरी साइड पे शॉक्स वगैरह का कंप्लीट करवा। आए हाय 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 गाइस चेक करो अभी, चेक करो फुली ग्लॉसी ब्लैक जो कि टैंकी का पेपर हमारा यहाँ पे आ चुका है, जल्दी से इसको इंस्टॉल करवाते हैं, देखते हैं क्या ही लुक निकलती है। तो जी नाजरीन एक बार फिर तड़प प्रा टिकटॉक वास्ते ट्रांजेक्शन वीडियो बनाते हैं, चेक करो अभी फुली। आए हाय 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 आए हाय हाय। सो बॉयज़ पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा इसके मैंने फुटरेस्ट उतरवा दिए थे जो कि बड़े लगे हुए थे, अभी मैं इसके 70 वाले फुटरेस्ट लेके आया हूँ, बस अभी इन्हें यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। A few moments later. सो जी बॉयज़ उससे पहले मैं आपको दिखाता चलो चेक करें टैंकी पे जो कि इसका रैप है लगने के लिए फुली रेडी है। ये सीन ना मिस हो जाए सबसे पहले आपको ये दिखा दूँ, फुटरेस्ट तो हम बाद में भी लगा लेंगे, चेक करो भी। अच्छा तो जी यहाँ पे टैंकी का जो कवर है ऊपर वाला कैप है उसके ऊपर भी मैं स्टिकर लगवा रहा था, जिस तरह का मैंने स्टिकर चाहा था वैसा तो उनके पास नहीं था, तो उसी के रिलेटेड ही मैंने फिर एक ब्लैक वाला स्टिकर लगवा के ऊपर, चेक कर सकते हैं स्पाइडरमैन का सिर्फ शेप दी थी जो मैंने सोचा था उससे बिल्कुल ही डिफरेंट था। यहाँ पर चेक करेंगे एक भाई साहब ने 70 को फुली कैफे रेसर बनाया हुआ है, मुझे इस तरह की बाइक बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे जस्ट 70 स्टॉक हालत में अच्छी लगती है और बस थोड़ा बहुत उस पर रैप वगैरह हुआ और जस्ट। अपना काम भी यहाँ पर जोरों शोर से हो रहा था, टैंकी एक साइड जो कि कम्प्लीट हो चुकी थी दूसरी साइड हो रही थी, यहाँ पर दूसरे भाई ने शॉक्स ऊपर से कम्प्लीट कर लिए थे, नीचे वाली साइड रह गई थी। फुटरेस्ट की बात करें तो बॉयज फुटरेस्ट मैंने दोनों इंस्टॉल करवा ली है, चेक करें फिटिंग बहुत ही अच्छी बैठी है इसकी, अभी आपको दूसरी साइड वाला भी चेक करवा तो ये चेक करें बहुत ही नुवाइस हो गया है। ठीक है शाबाश। तो ये आगे जिसके टैंकी का ऊपर वाला कैप, चेक करें लॉक वगैरह ओके है ठीक है।
सो गाइज अभी आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। टापा लगाने के बाद कुछ इस तरह की लुक आ रही है। टैंकी यार बहुत ही अजीब सी लग रही है, क्यों ना यहाँ पर कुछ मोनोग्राम वगैरह लगवा लिया जाए। आई थिंक जिस तरह से सुप्रीम वाला टॉप है तो क्यों ना यहाँ साइड पे सुप्रीम ही लिखवा लिया जाए। अच्छा तो बॉयज यहाँ पे मेरा जो आइडिया है काम कर गया। चेक करें, सुप्रीम वाला स्टिकर इस साइड पे भी लगवा लिया है और सुप्रीम वाला स्टिकर इस साइड पे भी लगवा लिया। तो सुप्रीम वाला स्टिकर लगाने के बाद कुछ इस तरह की लुक आ रही है इस साइड से। तो काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। A few moments later. अच्छा तो बॉयज काम हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बस यहाँ पे भाई बाइक की फिटिंग कर रहे हैं। कुछ काम हमारा जो कि पेंडिंग रहता है अभी, उसकी वजह यह बनी है कि लाइट हो गई है यहाँ पे ऑफ। जो मैंने स्टिकर्स वगैरह निकलवाने थे सिस्टम से वो नहीं निकल सकते। अभी इनके पास जो उनसे बने हुए स्टिकर पड़े हुए थे उनमें से मैंने भाई से एक स्टिकर निकलवाया है। ये चेक करें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला स्टिकर है, ये मैं स्टिकर लगवाने लगा बाइक के इस साइड पर इंजन के ऊपर। चेक करो भाई, खोपड़ी फुल इंजन फाड़ के बाहर ही आ रही है। चेक करो, खीर ही लग रहा है। इसको अब यहाँ पे लगवाते हैं, बाकी का जो काम रहता है वो हम। सो फाइनली गाइस हमारा ये जो लास्ट वन हमारा जो किंग वाला मोनोग्राम है इसे हम यहाँ पे मीटर के ऊपर इंस्टॉल करते हैं एंड देन निकलते हैं। अच्छा तो बॉयज़ यहाँ पे बाइक हमारी फुली हो चुकी है रेडी। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, बिल वगैरह भी हमने ओके कर दिए बिल्कुल। अब जल्दी से चलते हैं, आपको इसके सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह बना के थोड़े से दिखाते हैं। A few moments later. हाय चेक कर सकते हैं फाइनल लुक अप आफ्टर रैप। चेक कर सकते हैं इसकी लुक। सो बॉयज़ बाइक की लुक आप लोगों ने चेक कर ही ली होगी। अभी आपको दूसरी साइड से भी दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरह की लुक आई है बाइक की। अभी इसके कुछ काम हमारे रहते हैं पेंडिंग, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में करवाएंगे। सो अभी मैं यहाँ से व्लॉग को कर रहा हूँ एंड उम्मीद करता हूँ आपको इस सारे स्टिकर्स और रैप अच्छे लगे होंगे। अगर तो आपको आज का व्लॉग अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।